नहीं, पहले हम यही सब नाइट सूट ही पहनते थे, शांति को ऊपर चढ़ा रखा है। बाबू तेरे लिए सरप्राइज है, चिकू रोने लग जाओ। ये सारी ज्वेलरी अलमारी में ही रखेंगे। तो ये दोनों कोई काम तो करवा नहीं रहे हैं। चिकू दिखाओ आपने कैसे भरा है सबको, टमाटर प्याज वाली टोकरी है, आलू वाली। गलत बात है ना, बड़ी तेज है मेरे यहाँ पे लगा। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि आज हम बाहर नहीं जा रहे हैं, आज हम घर पे ही, आज ऑलमोस्ट सारी शिफ्टिंग हम करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ चिकू के पापा कह रहे हैं जब तक तुम शिफ्ट नहीं करोगे ना तब तक ऐसे ढीले पड़े रहोगे, तो हमने सोचा है कि आज शिफ्टिंग कर देंगे और एक दो दिन से ऊपर ही हम लोग सोना वोना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो बाकी कपड़े हमारे रस कपड़े रह गए थे ना, वो कपड़े हमने इस डब्बे में, वोल्टास के डब्बे में डाल लिए हैं। और अभी तो चिकू के पापा की अलमारी पूरी पैक है, वो भी निकालनी है, पहले ये निकालेंगे उसके बाद वो निकालेंगे। तो फाइनली ना ये वाली जो अलमारी है ना, ये भी खाली हो गई है। यहाँ पे बहुत सारा सामान था जो धीरे धीरे रह गया था, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान था, तो सब सामान निकाल दिया। ज्वेलरी का हमारा सामान है ना, वो भी पड़ा हुआ है। ज्वेलरी का एक साइड पे करेंगे, आज हम कपड़ों का और किचन का करेंगे। तो सारे के सारे ऊपर चले गए, पायल भी चली गई, साथ में चीकू भी चला गया है, और बस मैं रह गई हूँ, मैं भी ऊपर जा रही हूँ। सारा सामान तो ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि मैं और पायल क्या है, भारी भारी सामान तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करते हैं। राहुल रखकर आता है, बस ऊपर जाके सामान निकाल के अलमारी में शिफ्ट कर देते हैं। तो आज ना हम 80% अपना काम है वो कर देंगे। ओहो, मैं तो ऊपर जा रही थी, लगता है किसी ने नीचे दबा दिया, अब मैं दोबारा से नीचे जा रही हूँ। हेलो बेटा, संजीव इधर आओ, एक चीज लाई हूँ, इधर आओ, इधर आओ। ये देख, आपने देखा लॉन्ड्री वाला, लॉन्ड्री वाली बाल्टी कैसी लगी बेटा, बास्केट ये ब्राउन वाली कैसी लगी बेटा, ये पता क्या है, जैसे हम कपड़े मैले हो जाते हैं उतारते हैं तो मशीन में नहीं डालेंगे, सीधा इसमें डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर इकट्ठे करके जो मशीन वाले कपड़े होंगे वो मशीन में जाएंगे। तो उस दिन ना भी इतने कपड़े लगाए, अब देखो कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। चीकू वहाँ पे तंग कर रहा है, चीकू नहीं, नितिन भैया का जो कमरा है उसमें जो अलमारी है, हमने भैया के कपड़े इस बार इतने प्यारे से, इतने अच्छे से रखे हैं, आप देख सकते हो। अब नितिन भैया के ऊपर है ये प्यारी और अच्छी, कब तक रहेगी, ऊपर उनके विंटर्स के कपड़े या इनके रोज के कपड़े। तो ये वाला जो सामान है ना, ये हमने इसे डब्बों में पैक करा है, क्योंकि सबसे मैनेजेबल रहता है। इसमें चीकू के अंडरगार्मेंट्स रख दिए, इसमें सारी की सारी सॉक्स रख दी, इसमें सारे हैंड टॉवल्स रख दिए, उसके अंदर भी कपड़े रख दिए, इसमें मैंने अपनी पायल की बेल्ट रख दी है, और इसके अंदर हमारे कुछ इनर्स हैं वो रख दिए। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं नीचे जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, अनार ले आती हूँ, साथ में ना पायल ने सुबह पुलाव बनाए थे चीकू के टाइम पे, तो पुलाव भी गर्म करके ले आऊंगी। सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कपड़े लगाना, सबसे डिफिकल्ट। दिखना बहुत आसान होता है कि यहाँ के कपड़े उठाए वहां लगा दो, बट समझ नहीं आता कौन से कपड़े कहाँ सेट करे, मतलब एक नई अलमारी में सेट जब करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना इनका जूस आ गया, इनकी डाइट फुल बढ़िया चल रही है, मैं ना अभी ऊपर थी मैं दिखा नहीं पाई, और साथ में ग्रीन टी भी आई है, दो ग्रीन टी है, इनको पीनी थी पर पी नहीं है, तो इनको दे दूंगी मैं, आज एक दे दूंगी फिर कर ले। तो यहाँ पर ना मैंने खाना ले लिया, एक परांठा बचा था मैंने खा लिया परांठा, एक पालकी ले लिया, साथ में मिर्ची ले ली, और सुबह के पुलाव गर्म करवा लिए वो भी ले लिया, तो ये लेकर जा रही हूँ ऊपर। तो शांति को मैंने बोला तू भी साथ में चल ले, शांति को देखना नंगे पैर आई है, नंगे पैर क्यों आई है, बस वैसे ही जाना तो ऊपर ही है। तो फिर दी, और मेरे को कह रही दीदी आपने क्या चप्पल पहनी, आधा पैर बाहर आ रहा है, ये चप्पल पायल की है, मैंने फसाई हुई है, चल छोटी है ना बहुत। तो गाइस देखो चप्पल पहनी है मैंने पायल की, पैर बड़े है ना मेरे लंबे हैं, तो बाहर आ रहा है। वो जो चॉकलेट थी ना, वो इनको मिड इवनिंग में खानी थी, उन्होंने क्या किया इवनिंग का और दोपहर का खाना अभी दे दिया, तो मैं नीचे गई मैंने शांति को पूछा, मैंने कहा चॉकलेट कहाँ गई, वो दिखाई मैं देखती हूँ कैसी है, कह रही दीदी मेरे को लगा खाना खा लिया मीठा खाते, तो मेरे भैया को बोल दिया खा लो, भैया मैंने भी खा ली। मैंने कहा वो शाम की थी, तो फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा बेटा वो शाम की थी चॉकलेट, तो कह रहे गोलू मुझे पता नहीं था, मैंने कहा डाइट तो मेरे पास ही, जब तक मैं नीचे आई देखा कोई चॉकलेट नहीं थी, सिर्फ वो स्लश बचा है, पालक वाला एक जूस है वो बचा है, वो शाम को पियेंगे। तो गाइस खाना खाते टाइम ना उठने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे रिमोट अभी पंखा मैंने इसको तेज करा तो इसको 3 नंबर पे कर दिया, अब इसको 4 नंबर पे कर दिया, तो ये चीज अच्छी है ना। पर गाइस ये जो लट्ठड़ दिख रहा है आपको, ये हमारे सर्दियों के नाइट सूट है जो हमने निकाल लिए थे नीचे से, क्योंकि 5 बेड खाली हुए थे ना, तो ये हमारे बेड में पड़े हुए थे, पहले धो धा के हमने बैग में पैक करके रखे हुए थे। पहले हम यही सब नाइट सूट ही पहनते थे, क्योंकि बाहर निकलते नहीं थे घर से, नाइट सूट ही पहनते थे। तो ये सारे जो है सेट बना के ना अलमारी में सेट कर रही है गोलू। तो गाइस कल किसी ने हमें बोला था रिफाइंड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो घी में खाना खाना चाहिए। मैं अक्सर ना घी में चावल बनाती हूँ, तो अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो इसलिए ना जो घी है, अभी गोलू ना चावल गर्म करके लाई थी तो अच्छे लग रहे थे, अब जो है ना घी जम गया है, तो अब ये चावल खाए नहीं जा रहे हैं।
तो गाइस देखो आप, गोलू नहीं चढ़ सकती ना, इसलिए गोलू ने शांति को ऊपर चढ़ा रखा है और कपड़े लगा रही है अलमारी में। गाइस हमारी तीन चार अलमारी हो गई है सेट, अभी रहेगी एक अलमारी। तो अभी ना मैंने अपने लिए नटखट मंगवाया क्योंकि मेरा बहुत मन करता था नटखट खाने का, तो इधर काम भी करूंगी और साथ में नटखट भी खाऊंगी। इतना सारा सामान सेट करने के बाद भी घर की हालत ये है गाइस, मतलब घर शिफ्टिंग करना ना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल। पूरे घर को सेट करना, सामान लगाना, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अलमारियों में कपड़े सेट करना। और हमने तो 5 बेड के कपड़े सेट किए हैं और 4 अलमारी के सेट किए हैं कपड़े, और अभी भी मतलब सामान बहुत सारा निकलेगा नीचे। यहाँ पर ना शांति मैंने लस्सी ली आई क्योंकि बहुत देर पहले बोलते शांति को लस्सी, और थक गए हैं, हालत हो गई थोड़ी खराब है, बहुत ज्यादा खराब। वो गैस की स्मेल आ रही है ना, गैस चल लग रही है ना। गाइस हमारी खुशखबरी है, हम इस बार ऑटोमेटिक गैस लेके आए लाइफ में फर्स्ट टाइम। हाँ, हमने यूज नहीं करी कभी यूज नहीं करी हम। तो गाइस ये टूल बॉक्स था जो मैं कल लेके आई थी, आप भी अपने घर में ला सकते हैं इसे। ये मुझे पड़ा था 1146 रुपए का, क्योंकि घर में जब हम हथौड़ी वतौड़ी सब ढूंढते हैं ना तो ड्रॉर्स में रखी होती है इधर उधर, कुछ सामान इधर उधर रखा, तो इसमें है ना आप अपना सारा सामान रख सकते हो और एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाएगा। तो गाइस गैस लग गई है, गैस का पाइप ना बहुत लंबा था तो मैंने गैस का पाइप ना इसके फिटिंग का कटवा के आधा रख लिया है, ये खराब होगा तो ये यूज हो जाएगा, और गैस मैंने लगवा दी। अब बस किचन क्लीन करना है, किचन क्लीन करने के बाद एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद काम करेंगे शुरू। तो हर रोज ना इतना सारा कूड़ा हो जाता है, अभी भी ये निकाला है, ये सामान निकाला है और वो सामान निकाला है, तो बस अभी क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शूरेक का काम भी कर लेते हैं, स्टार्ट हो ही जाते हैं आज काम पे। तो यहाँ जो है गोलू चप्पल वाली जो है चप्पल लगा रही है, रॉड में चप्पल सेट कर रही है अच्छे से, क्योंकि ये चप्पलें जो है ना सारी हील्स हैं और अभी हम पहनेंगे, इसलिए पन्नियों में अच्छे से सेट करके यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि जो अंदर गंदगी है थोड़ी बाहर निकले, क्योंकि हम इतना सेट कर रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है सामान सेट ही नहीं हो रहा क्योंकि सारा सामान यहाँ पे पड़ा है। ये मेरी वेडिंग की चप्पल है। बाबू तेरे लिए सरप्राइज है, छोटा बेबी आया हमारे घर में, वो देख ध्यान से आई हो, गिर ना जाए, मैंने उसका कोना बनाया है, जल्दी चल, छोटा बच्चा आया है, देख चिकू रोने लग जाओ, कैसे लग रहा है? मम्मा नीचे पे लगा दो। ठीक है बेटा, नीचे के लिए दो, अभी लगाती हूँ। तो अभी जो हो रहा है, अभी ये काम हो रहा है कि अभी यहाँ के सारे डब्बे जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं, डब्बे ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले डब्बों में, और यहाँ की जो किचन है आधी खाली हो जाएगी। तो अभी ये ज्वेलरी भी सारी मुझे ऊपर लेके जानी है, ज्वेलरी के लिए मैंने एक अलमारी पूरी प्रॉपर बना दी है, तो वहाँ ये सारी ज्वेलरी आ जाएगी, क्योंकि बेड्स में रखने के बाद ना हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार बेड खोलने पड़ते हैं, कभी भी कहीं जाना पड़ता है ज्वेलरी के लिए बेड खोलने पड़ते हैं, तो इस बार क्या है हम ज्वेलरी के लिए बेड नहीं खोलेंगे, ये सारी ज्वेलरी अलमारी में ही रखेंगे। आज तो हमारी पूजा भी नहीं हो पाई क्योंकि हम सुबह से नहाए नहीं है, हम सुबह से सेटिंग कर रहे हैं तो पूजा भी नहीं हो पाई आज, हमारे भगवान जी भी सोच रहे होंगे पूजा नहीं करी इन्होंने। तो ये दिवाली पे एक गिफ्ट आया था, गिफ्ट हैम्पर, देखते हैं इसमें क्या है, अगर काम की चीज होगी तो ऊपर लगा लूं। तो इतनी हील्स जो बची थी ना वो भी मैं ले आई इस पन्नी में डाल के, इसे भी सेट कर देते तो सारी हील्स जो है ना उनका काम हो जाएगा, सारी हील्स हमने ऑलरेडी पैक कर दी है। तो यहाँ पर ना हमारा किचन का सामान आ गया और ये भी अब आज हम सेट कर देंगे, क्योंकि फिर कल बुलाएंगे हाउस क्लीनिंग वालों को जो डीप क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग कराने के बाद फिर हम लोग कर देंगे शिफ्ट। तो ये दोनों कोई काम तो करवा नहीं रहे हैं, बस ऊपर नीचे घूम रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं बता सकते। यहाँ जो सारे लोग है ना, ये सारे लोग तेजाब पी रहे हैं, देखो आप भी। मैंने गुड़ पी के देखा था तेजाब कैसा होता है इसके अंदर। तो गाइस चीकू ना हमारी इतनी मदद कर रहा है, ये 5 डब्बे ना चीकू ने फिल करे है, इसमें मैदा है, इसमें पुदीना है, मैक्रोनी है, कड़ी पत्ता है, और ये दाल का नाम क्या पालन भूल गई, पता नहीं, चलो दाल का नाम नहीं पता। और इधर भी चीकू मदद कर रहा है हमारी, ये मिक्स इसलिए होती है बेटा, ये दोनों दाल मिलके बनती है। चीकू दिखाओ आपने कैसे भरा है सबको, वेरी नाइस। चीकू क्या कर रहे हो बेटा, पायल ये देख ले, चीकू ने मुझे बोला मम्मा ये बड़े वाले डब्बे जहाँ रखे ना वहाँ पे डब्बा भी रखो, तो इसका सारा सामान इसने इसमें डाल दिया है, सही है, ठीक है, कभी स्कूल में देना हो तो भी यहाँ से निकाल के दे सकती है। यहाँ पे गोलू डेट एक्सपायरी डेट चेक कर रही है, क्योंकि ना मैं ये फेंक रही, गोलू ने बोला था जब चाहिए होता फिर मंगाते हो तो रख लो संभाल के, एक्सपायरी चेक कर रही है, अगर एक्सपायरी नहीं हुआ होगा ना तो हम ये रख लेंगे। 2021 है 12 महीने, 2021-2022 का 7वां महीना, मतलब कि सभी तो चल रही है। तो गाइज मैंने बिना डेट चेक किए ना मैं दोनों फेंक दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफी टाइम से पड़े यूज भी नहीं हो रहे तो फेंक देती हूँ। तब भी गोलू ना अभी डेट चेक कर रही थी तो दोनों एक्सपायर हो चुके, तीसरा चेक कर रही है। मैं नीचे के लिए चला जाऊं। टाइम पता है आपको क्या हो रहा है, हम बच्चे हैं, कल आपको स्कूल जाना है, प्लीज जान दो ना। पापा आने वाले हैं अभी, प्लीज पापा आएंगे फिर पापा को क्या बोलूंगी कि क्यों पापा ने 8 बजे का अल्टीमेटम दिया, आप दोपहर में भी सोते नहीं हो आजकल। टमाटर प्याज वाली टोकरी है, आलू वाली, तो आप तो हर किसी को टॉय वाली बना देते हो,
तो यहाँ पर ना ये वाला सारा सामान सेट हो गया है। यहाँ पे छोटे मोटी चीजें हैं और यहाँ पे हमारी नमकीन हो गई है, इधर भी ड्रॉर सेट हो गए हैं, इधर भी ड्रॉर सेट हो गया, इधर पायल बर्तन धो रही है। यहाँ पे नई क्रॉकरी है वो भी लगानी है हमें। पायल ने बोला है कि गोलू ये वाले ड्रॉर को खोलो, यहाँ पे मैट लगाओ और फिर हम बर्तन सेट करते हैं। तो ये पूरा कार्टन भर के ना वो आया है, बर्तन आए हैं तो इन बर्तनों को भी लगाना है। और यहाँ पे ना मैंने झाड़ू मार दिया था क्योंकि हमने सारे के सारे जो मसाले हैं ना सब फैल गए थे, तो नमक मिर्ची थी तो अभी कोने पे लगा दिया। चप्पल पहनो बेटा, आपके पैर देखो कितने गंदे हो रहे, ऊपर सोफे मत बैठना। और इस साइड ना, इस साइड मैंने दूसरे वाले चप्पले भी लगा दिए है। बेटा अभी झाड़ू मारा था, कूड़ा मचा रहे हो आप, गलत बात है ना। तो गाइस इतने सारे बर्तन जो है मैंने धो के लगा दिए हैं। अब ये तो जो है सूखेंगे सुबह तक, सूखने के बाद इनको कपड़े से साफ करके फिर जाकर ड्रॉर में लगाएंगे। अभी मैंने ड्रॉर में लगाए हैं कढ़ाई, तवे, परात और ये दो तीन चीजें ये लगा दी इधर, बाकी गोलू लगा देगी। मैं जा रही हूँ चिकू को सुला। चिकू चल बेटा सुलाऊंगी, देखो चलो 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 फटाफट चलो। अभी ये डिब्बा पूरा जो है वो सेट होना है, इसमें से ये जो डब्बा है चावल वगैरह का, आटा का, आटे का डब्बा लाई उसमें आटा डालना है, ये भी डब्बा साफ होना है और ये वाला डब्बा भी लगना है अभी। तो गाइस हमें ना सुबह से ना मतलब सुबह 12-1 बजे हम लग गए थे, तो अभी रात के 9 बज गए हैं। तो आज पूरा दिन लग गया घर की सेटिंग में, अभी भी किचन की कुछ हालत ऐसी हो रही है। धीरे धीरे बर्तन लगाने हैं और इन सारे ड्रॉर्स में ना शीट लग गई है ये, और ये जो फोन है ना बड़ी तेज है, मेरे यहाँ पे लगा रेड रेड हो गया। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 9:30 और मैं चीकू को नीचे सुला के आ गई हूँ। हमारे गद्दे वाले आए थे गद्दे लेके, पर ना गद्दे छोटे पड़ गए, अब मुझे ऑर्डर पे बनवाने पड़ेंगे गद्दे। और यहाँ जो है गोलू कर रही है, गोलू टेप वेप निकालने के उसमें मत पड़, नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं छोड़ दे इसको, लगा दे फटाफट क्योंकि बहुत टाइम बहुत काम है गोलू, ये जब यूज करेंगे ना तब निकाल देंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमने नाइट सूट निकाल लिया अभी के लिए क्योंकि सुबह से ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, एकदम मिट्टी हो रहे हैं, तो अभी शावर लेंगे, शावर लेके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर सोएंगे। मैंने रनर अप की साइज भी दे दी है। हाँ ठीक है। तो गाइस ये बोल रही है कि मैंने रनर अप के साइज भी दे दिया, अगर आपको समझना है, क्योंकि मैं तो देखो समझ जाती हूँ। गद्दे के साइज, रनर अप के साइज, यहाँ की कारपेट कालीन के साइज, यहाँ की भी कालीन पूरी की पूरी साइज दे दी है। और ये सारे मैले कपड़े ये भी ले लिए क्योंकि मशीन तो नीचे ही है ना, कपड़े धुलेंगे। हमारी जो किचन है फाइनल सेट हो गई, यहाँ का जो पोजीशन है ना हमने चेंज कर दिया क्योंकि पहले क्या है दूसरी साइड हमने वो रखे थे बिस्किट विस्किट के डब्बे रखे थे, बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो ये चेंज कर दिया। बिस्किट के जो डब्बे है ना वो इधर शिफ्ट कर दिए, सारा नमकीन बिस्किट का छोटे छोटे मसालों का हो गया, और इधर ऊपर टोस्टर रख दिया, अभी घी का डब्बा ऐसे ही रखा है, और यहाँ पे चाय का सामान। तो गाइस आज हम ऑफिस नहीं गए थे तब भी अपने बैग्स लेके घूम रहे हैं क्योंकि सुबह से हम ऊपर है और दवाइयों का टाइम हो जाता है ना बीच में, इसलिए हम पर्स ऊपर ले आए थे, दवाई इसी में रखी होती है हमारी। दवाई का टाइम हो जाएगा नीचे जाने का, तो अभी नीचे जाके खाएंगे। तो मेरे हाथ में भी आप देख सकते हो बहुत सारा सामान है, गोलू के हाथ में भी। तो गाइज आज सफाई करते 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 बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अभी भी जो लग रहा है कि कल तक भी शिफ्टिंग नहीं होगी पूरी, पर कोशिश करेंगे कल पूरा खत्म कर दे काम। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, देख लेना गाइस सुबह से। और जिसने अभी तक कमाल हो जाएगा गाना नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना भी देख लेना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी करो।